टोटल पूरी की पूरी होम्योपैथी हमारी साइंस केवल और केवल इसी बात पे डिपेंड करेगी जिस बात को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। वो पॉइंट है ना केस टेकिंग, समझिएगा हम बात कर रहे हैं केस टेकिंग की, केस टेकिंग की बात हो रही है, दैट मींस केस रिकॉर्डिंग, केस टेकिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूरी होम्योपैथी इस पे डिपेंडेंट है। अब क्यों ये इंपॉर्टेंट है पहले इसको समझना है, क्यों हनुमान साहब ने एट द वेरी फर्स्ट एफोरिज्म ड्यूरिंग केस टेकिंग उन्होंने एम्फसाइज किया, उन्होंने बहुत प्रेशर से बोला कि सबसे पहले क्या होना पड़ेगा आपको, फ्री फ्रॉम प्रिजुडिस। पहली क्राइटेरिया डिस्कस करी, फ्री फ्रॉम प्रिजुडिस नंबर 1। और ये ना जब हनीमन साहब ने एफोरिज्म स्टार्ट करे ना अपने, जब हनीमन साहब ने बताना स्टार्ट किया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, जब सिम्टम्स की बात आई, जब सिम्टोमेटोलॉजी की बात आई, हनीमन साहब ने जब बीमारी समझा लिया, ऑब्स्टिकल समझा दिया और बताया कि भाई इन सारी प्रोसेस में आपका मिशन, आपका क्योर केवल और केवल एक चीज पे डिपेंड करेगा, पेशेंट के कन्वर्सेशन पे, उसके सिम्टम पे, उसके लक्षण पे। तो आपको सिम्टम पकड़ना है तो उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। हनीमन साहब ने छठे एफर्जे में बोला यू, मतलब बोला कि अनप्रिजुडिस रहना है हरदम। और वही बात सेम हनीमन साहब ने कब स्टार्ट करी, जब केस टेकिंग करी, और ये आपको आगाह किया, बताया भी कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, देन क्या आपको अनप्रेजुडिस रहना है। तो पहली क्वालिटी बोली, और दूसरी क्वालिटी क्या बोली, आपके सेंसेस बिल्कुल साउंड होने चाहिए, ऑब्जर्वेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और आप लॉयलिटी और फेथफुल के साथ वो सारी चीजें लिखें जो आप देख रहे हैं, जो फील कर रहे हैं। लेकिन इतना एम्फसाइज क्यों किया, व्हाई? बिकॉज़ केस टेकिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। व्हाई? बिकॉज़ देखो भैया, सिंपल हमने पढ़ा 26वें एफोरिज्म में, 29वें एफोरिज्म में, 17वें एफोरिज्म में कि भाई जो भी सिम्टम होगा, यही पढ़ा हम लोगों ने कि जो भी सिम्टम होगा, जो एक पेशेंट है, ये पेशेंट है, मान लो ये पेशेंट है, अयोग दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा है ये पेशेंट, दिख रहा है ये जो पेशेंट है, ये पेशेंट भाई जो सिम्टम देगा, इसने मान लो एक्स वाई जेड सिम्टम दिया। अब इस एक्स वाई जेड सिम्टम को हमने नोट किया भाई, हमने इस एक्स वाई जेड सिम्टम को नोट किया, और यही एक्स वाई जेड सिम्टम हमें क्या बताएगा, इस एक्स वाई जेड सिम्टम जो इस बंदे की टोटैलिटी को बताएगा, और इस टोटैलिटी पे ही हमारी रेमेडी ए बी और सी होगी। ठीक है, ये जो हमारी रेमेडी होगी ना ए बी सी, ये रेमेडी टोटली डिपेंडेंट होगी एक्स वाई जेड पे, और ये एक्स वाई जेड कहां से आएगा, इस केस टेकिंग के प्रोसेस से आएगा, और इसी ए बी सी से, ये जो रेमेडी है ए बी सी, इसी रेमेडी से हम अपना मिशन अचीव करेंगे, इसी रेमेडी से हम अपना क्योर अचीव करेंगे। दैट मीन्स ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रोसेस का ध्यान रखना होगा हमें। और इसी वजह से हरिमन साहब ने पहले शुरुआत में भी बोला यू शुड बी अनप्रेजुडिस ऑब्जर्वर। एंड जब हरिमन साहब ने केस टेकिंग स्टार्ट किया 83 में क्वालिटी बताई, केस टेकिंग से पहले आपको अपने सेंसेस को बिल्कुल साउंड रखना है, अपने आप को हर प्रीजस्ट सिचुएशन से बाहर रखना है, लॉयलिटी और फेथफुलनेस के साथ आपको इस प्रोसेस को करना है, बिकॉज इस प्रोसेस के करने की वजह से ही आप अपना मिशन अचीव कर पाओगे, वो क्योर का क्राइटेरिया अचीव कर पाओगे। क्योंकि ये केस टेकिंग इज इक्वल टू व्हाट, रेमेडी इज इक्वल टू क्योर। ठीक है, तो पहले 83 एफर्जे में हनीमन साहब ने क्राइटेरिया बताया। ठीक है मनोज, क्लियर है आप? हेलो।